चमकीला बट ये मैंने बनाई है सारी बाटियां। लुक एट द बाटी गाइस, हमारा एक जगह से दिल नहीं भरा तो हम दूसरी जगह आ गए। हेलो जी, नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। इट्स अ ब्राइट एंड सनी, नॉट सनी बट ब्राइट सैटरडे इन अहमदाबाद। और हम दोनों पति पत्नी ब्लॉग तो शुरू कर ही रहे हैं और साथ में हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे आज। कल रात को जल्दी सो गए तो सुबह जल्दी उठ गए है आज। हमको लगा क्या करें, चलो ब्रेकफास्ट करके आते हैं, यही तो बस, और क्या चाहिए बताओ। चाहिए मौसम मस्त ऐसा, बादल बादल सा, बदली बदली सा मौसम है मस्त। और हम होप कर रहे हैं कि आज बारिश हो जाए, बट वो हो ना हो हम नाश्ता करने तो जरूर जा रहे हैं। इसी के साथ मैं एक चीज और होप कर रहा हूँ, क्या सामने वाले जो भैया गाड़ी चला रहे हैं साइड दे दे। हाँ यार, सुबह सुबह भी इतना ट्रैफिक हो जाता है। नहीं ट्रैफिक नहीं होता, थोड़ा सा नियमों से चलेंगे तो। और ये आज मुझे लेकर जा रहा है पद्मनाभम, जो पद्मनाभन जो कि वस्त्रापुर में है। और ये पहले जाया करता था। यस, साउथ इंडियन कैफे है। और आज मैंने सोचा हिमानी को साउथ इंडियन खिलाते हैं अहमदाबाद में भी। वैसे तो मैं घर पे बनाती हूँ डोसा, इडली नहीं बनाती, डोसा मोस्टली डोसा बनाती हूँ, बट आज मन हुआ चलो बाहर चलते हैं, तो जाते हैं और आपको भी बताते हैं कि कैसा है। यस, गाइज मैं तो यहाँ पे पहली बार आई थी पद्मनाभम। मुझे अच्छा लगा, हमने इडली और एक घी पोड़ी डोसा खाया। अभी फिल्टर कॉफ़ी नहीं थी अभी यहाँ पे, पता नहीं, तो देखते हैं घर चल के पीते हैं कॉफ़ी या फिर कहीं बाहर देख लेते हैं। 20 minutes later हमारा एक जगह से दिल नहीं भरा तो हम दूसरी जगह आ गए, जो कि कमला कैफे। ये तो हमारी फेवरेट जगह है, फेवरेट जगह है। तो हमने लिए दो फिल्टर कॉफ़ी। एक्चुअली वहाँ पे कॉफ़ी नहीं थी तो हम फिल्टर कॉफी के लिए कमला कैफे आए थे, लेकिन फिर हमको ये दिख गया तो हमने ये। It hours later चेंज तो किया है भाई, मानना पड़ेगा। गाइस हम लोग सुबह 10 बजे व्लॉग करने के बाद, अभी 7 बजे बज रहे हैं शाम के, और अब व्लॉग कर रही हूँ मैं। फोन मैंने अब उठाया है क्योंकि पूरा हमारा दिन जो है ऐसे निकल गया कि कुछ अपना काम कर रहा था, नहीं आई थिंक ये सीरीज देख रहा था फर्स्ट हाफ में, मिर्जापुर देख रहा था, मैं दूसरे काम कर रही थी, फिर मैं आफ्टरनून सो गई और हमने लंच स्किप किया आज अपना, क्योंकि सुबह अच्छे से खा लिया था। अभी हम जा रहे हैं अहमदाबाद में, अगर आप रहते हो बहुत अच्छी, अगर आपको सार्डो ब्रेड चाहिए नेचुरली फर्मेंटेड, तो वो हम डोरी में करके एक जगह है, कहाँ पर, कौन सी एरिया में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। साउथ भोपाल, साउथ भोपाल में, बट आप देख सकते हो गूगल पे, हम यहाँ पे ऐसे नाम डाल देंगे। Yes. वहाँ से हम ब्रेड्स लेते हैं, तो आज काफी दिन हो गए हमने नहीं ली, तो हम लेने जा रहे हैं वहाँ पे सार्डो ब्रेड्स। एंड चलो चलते हैं, शाम का टाइम है, हमने सोचा ऐसे ही बस निकलते हुए थोड़ा ड्राइव भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। मैक्सिन से हमने और भी चीज़ें भी ले ली एंड अंधेरा हो गया गाइस, बट अभी हम घर जाके मस्त सैटरडे डिनर बनाने वाले हैं, स्पेशल कुछ आपको घर चल के बताएंगे। गाइस एक मिनट रुक जाओ, पहले आप अपना सीट बेल्ट पहनिए। अच्छा मैंने पहना हूँ। ओके गाइस कंटिन्यू प्लीज। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइज हम घर आ गए हैं और अब हम बनाने वाले हैं पास्ता एग्लो ओलियो, जो कि हमारा दोनों का फेवरेट है। और हमने मैक्सन से ये वाले, एक्चुअली इसके जो ग्राउंड वाले नूडल्स होते हैं ना वो लेने वाले थे, बट उनके पास अवेलेबल नहीं था तो फ्लैट वाले ही ले लिए, स्पेगेटी टाइप बनेगा ये। और मिस्टर हस्बैंड जो है वो बनाने वाले हैं आज एग्लो ओलियो, और हमने आते आते रास्ते में यूट्यूब पर रेसिपी भी देख ली है, फाइन एकदम चॉप कर लिया है। इसने देखी है, मेरे को तो पता थी। कुछ भी, कैसी पहली बारी बना रहा है इसको, तो बाय द वे इसको पूछेगा क्या ये नूडल्स बोल देगा इसको, आप लोग कमेंट सेक्शन पे बताना कि इसको नूडल्स नहीं बोलते, तब शायद इसको बिलीव होगा इस बात पे। लेटर बोलो आप, ये लंबी बहस का विषय है। नूडल्स ऐसे जो ऐसा समझ रहे हो ना उसको नूडल्स बोलते हैं। हां ओलियो उसका नाम है ये बात मानता हूं, लेकिन ये जो अभी हम बॉईल कर रहे हैं ये नूडल है।
नूडल बॉईल कर रहे हैं, उसके बाद उसका एग्ली ओलियो बनेगा। पैकेट में देखो, पैकेट में क्या लिखा हुआ है, चलो पैकेट में पढ़ो। पैकेट वाले तो कुछ भी लिख देते हैं यार गाइस, पैकेट वाले कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी। पैकेट पे तो लिखा हुआ है लिंगुइन। हाँ, फिर ब्रॉन्ज, वो नाम तो मैं लेने नहीं बोल रही तुमको, ये देखो। और जहां भी जिस टाइम पर भी देख रहे हो, आपकी जीभ ऐसी लपलपाएगी देखकर। आपको इस व्लॉग को देखने के बाद ये यकीन हो जाने वाला है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा शेफ, बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए, ये सब आप मत देखो, आपको यकीन हो जाएगा, गारंटी देता हूँ। गिल्टी बट हम आज बेड में बैठ के खाएंगे क्योंकि सैटरडे नाइट, और चिल करेंगे हम, नेटफ्लिक्स एंड चिल। बढ़िया माहौल सेट कर दिया रूम में। तो मित्रों, बहुत जल्द इस मील के बाद बहुत जल्द मैं अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूँ। आप लोगों को अभी से इनविटेशन है, और वेटिंग पे खड़ा रहना पड़े तो उसके लिए भी अभी से खेद है। नहीं, खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगा, टेक्नोलॉजी ऐसी कुछ करूंगा मैं कि आपका आपको घर से निकलने के टाइम आपको बताया जाएगा कि अब आप निकलो, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी ऐसा थोड़ी है, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, वेरी स्मार्ट यार, ये कोई 90s थोड़ी है। गाइस, आई एम प्राउड ऑफ माय पति। द नेक्स्ट डे, अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स संडे मॉर्निंग, वी वोक अप लिटिल लेट टुडे, रोज से हम थोड़ा सा आज लेट टुडे 7:30 बजे, बहुत सारे लोगों के लिए शायद लेट नहीं होगा, बट हम जैसे रोज उठ जाते हैं जल्दी, आज मैं थोड़ी सी आलस करी, उठे उसके बाद बस वही मॉर्निंग थोड़ा सा रूटीन एंड ऑल ये सब करते करते अभी बज गए हैं 10 बज गए। हमने सिर्फ कॉफ़ी पी है और ब्रेकफास्ट अभी नहीं किया है, बट हमको कुछ शूट करना है, सो वो हम करने वाले हैं अभी हमारे इंस्टाग्राम के लिए। सो उसमें बेसिकली आज सागर का रोल ज़्यादा है, तो ही इज़ रेडी, आई एम गोना हेल्प हिम शूट करने के लिए। आर यू तैयार, रेडी? यस। वाह, बहुत व्यस्त है गाइस, चमकीला, मेरा चमकीला। बहुत बिजी है सागर पटेल चमकीला। आप लोग को भी हंसी मेरी जितनी आई होगी, हंस लो। उठते ही शाम की चाय बन गई है इनकी, और जबरदस्ती मैंने बोला था मुझे आधी से भी कम कप चाय चाहिए, पर मुझे ये पूरी कप चाय ही पिलाएगा। तुझे मेजर करके बनाने नहीं आता क्या? मेजर करके बनाने नहीं आता तो ये 2 कप नहीं बनी होगी। कैसा लगा मेरा मजाक? तो मुझे 2 कप मुझे चाहिए ही नहीं थी पूरा कप चाय, मैंने पहले बनाने से पहले ही कह दिया गया था आपको कि आप आधे से कम। गाइस, ये आधा से कम है, कोई आप इसमें से मुझे बता दो। मैं कोई भी काम आधा और अधूरा नहीं करता। ये फालतू की बात है, इसका कोई भी लॉजिक नहीं है। ढूंढते रहिए लॉजिक, लॉजिक करते रहिए लॉजिक, लॉजिक लॉजिक। ये गाइस, पंचायत का फीवर पूरे पूरे किस पे, चरम पे चढ़ा हुआ है इनके सर पे, क्योंकि मिर्जापुर की अच्छी नहीं है इस बार का सीजन, इसलिए इनके इनके सर पे अभी तक पंचायत का भूत नहीं होता। अगर आप मिर्जापुर देखने वाले मत देखो गाइस, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट। सीजन 1 और 2 नहीं देखने के बाद अगर 3 में आप सीधे छलांग मार रहे हैं इनकी तरह, मुझे बहुत लोगों से सुनने मिला 1 और 2 वॉज गुड, सीजन 3 इज नॉट गुड। गाइस, अगर आप लोगों ने देखा है मिर्जापुर तो आप सीजन 3 अगर आपने देखा, मतलब पहले के भी 2 सीजन देखे और 3 भी देखा, तो आप बताओ 3 अच्छा है कि नहीं है, बहुत बोरिंग लगा मुझे। तो जो नहीं, जिन्होंने देखा है उनको भी बोरिंग लग रहा है। देखो, ऐसा है कि किसी कहानी के कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपको शायद बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन उसका महत्व बहुत ज्यादा है आपके अपने जीवन। फाइन, लोग बता देंगे ना कमेंट पे। ये वाला पार्ट वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपके अपने जीवन में भी ऐसा होता है कि ये इस एक पार्ट आपको बहुत बोरिंग लगता है कि यार क्या मैं बार बार वही गिटार का तार बजा रहा हूँ, लेकिन जब
बाहर आता है तो फिर आर्ट आता है ना, ये सब कौन समझाएगा इनको। ओके फाइन। अ फ्यू इंचेस लेटर। इतवार का दिन, शाम के 6 बज रहे हैं एग्जैक्ट, और दोनों पति पत्नी काम कर रहे हैं अपना अपना। बाय द वे, मैंने आपको दिखाने के लिए ये ओपन किया है कि हमारा कुर्ग वाला वीडियो इज ट्रेंडिंग, मतलब हमारे चैनल पे अभी 6.7K इसके व्यूज़ है और नंबर 1 पे ऐसे वो रैंक वीडियोस में जो चैनल पे कर रहा है। सो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर कार्ट में लिंक डाल दूँगी, कुर्ग इन द मॉनसून, आप देख लो। Later that same evening. Guys, तो शाम हो गई है अब और हम थोड़ा सा अर्ली डिनर कर लेते हैं सोच रहे हैं, तो आज हम बना रहे हैं दाल बाटी। चलो हम आपको आज दिखाते हैं, एक्चुअली हम बहुत बार बनाते हैं, मैंने शादी के बाद ही ऐसे दाल बाटी खाना शुरू किया क्योंकि सारे लोगों के घर में उस तरफ दाल बाटी बहुत ज़्यादा खाते हैं सब, तो हम मतलब मैंने वहीं पर सीखा, बट वो बाटी बनाएगा, मैं दाल बनाऊँगी। तो मैं दाल की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मतलब दाल मैंने सोख कर ली थी, आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी दाल हम यूज़ करते हैं। सो इसमें है राहर दाल, चना दाल, थोड़ी सी मसूर वाली भी है, और ये ब्लैक वाले उड़ा दिए। सब दाल को मिक्स करके मैंने सोख कर दिया था थोड़ी देर के लिए, अभी इसमें प्रेशर कुकर में बढ़िया से सीटी लगाते हैं और फिर उसमें लगाएंगे हम तड़का और दाल हो जाएगी हमारी रेडी। गाइस तो अब आटा भी मैं ही लगा रही हूँ, पतिदेव को आराम करना है। तो इसमें आटे में जो है गेहूं का आटा है, थोड़ी सी सूजी डाली है, अजवाइन, नमक, थोड़ा सा पिंच सोडा, बेकिंग सोडा, और अब हम इसमें डालेंगे मोइंटिल। बेकिंग सोडा नहीं होता? अच्छा वो खाने का सोडा गाइस, सॉरी। अब इसमें डालेंगे हम तेल जो कि मोइन के लिए, और वो कितना डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अभी इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स, अच्छी तरीके से इसे पूरा ऐसा इसमें सारा समा जाना चाहिए सब कुछ। फिर आटा लगा के हम आटा थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने को रखेंगे और फिर हम बनाएंगे इसकी बाटी। इट इज़ वेरी सिंपल, देखो ऐसा ऐसा होना चाहिए, इतना मोन आपको डालना है। वैसे थोड़ा कम है और डल सकता है, बट मैं नहीं डालती यार, ज़्यादा तेल नहीं खाते हम, बहुत ऐसे लिमिट में खाते हैं, और इसके ऊपर फिर घी भी डलेगा जब बाटी बन जाएगी, तो ज़्यादा तेल नहीं डालते, बस इतना इनफ है। सो आटा लग चुका है, आटा इतना कड़क होना चाहिए, मुझे एकदम परफेक्ट नहीं पता है, बट हाँ मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा कड़क आटा जो है वो लगा दिया है। अब इसको थोड़ी देर ढक के रख देते हैं और तब तक हम चटनी, दाल बाटी में चटनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम बनाएंगे रेड चिली वाली, लहसुन वाली चटनी। तो इसको थोड़ी देर, जब तक दाल पक रही है हमारी, ये भी थोड़ी देर सोक हो जाएगी, तब तक मैं लहसुन पील करके रख लेती हूँ। आखिर मुझे इंटरफेयर करना ही पड़ा, बट ये मैंने बनाई है सारी बाटियां। लुक एट द बाटी गाइस, क्या फट गई, एकदम बढ़िया बनी है, एकदम मस्त। तू क्या बोलेगा बता, सच सच बोलना, अच्छी बनी। मैं ट्रेन करूं और कोई काम अच्छा ना कर पाए कोई इंसान, ऐसा होता नहीं। और इन्होंने सैलेड भी बना लिया है मस्त, एकदम टेस्टी। मिर्च, लहसुन बहुत सारा और थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि नहीं तो ब्लेंड नहीं होगा। बस इसको ग्राइंड करेंगे और हमारी चटनी विल बी रेडी। गाइस हमारी दाल बाटी रेडी है, इसमें घी डाल दिया है, क्या परफेक्ट पकी है। एंड दाल, सम सैलेड और चटनी, बढ़िया खाना खाते हैं हम।